तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई नेता बताए जा रहे हैं कि अभी और हैं ऐसे जो बीजेपी के संपर्क में हैं। देवेंद्र फडणवीस की तरफ से क्या दावा किया गया, सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ अलग अलग पार्टियों के कई बड़े नेता आना चाहते हैं। विशेष रूप से कांग्रेस के कई नेता हमारे संपर्क में हैं, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं का रहा है, एक प्रकार से ये सारे नेता अपनी पार्टी में सफोकेट हो रहे हैं। विशेष रूप से कांग्रेस में जो जन नेता है, उनको ये लगता है कि अब देश के मुख्य प्रवाह में हमने काम करना चाहिए, क्योंकि देश हित की बात को भी राजनीति के चलते दरकिनार करने का काम कांग्रेस का शीर्षस्थ नेतृत्व कर रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत लगातार प्रगति कर रहा है, इसको देखते हुए कई नेताओं को ये लगता है कि हमने देश की मुख्य धारा में काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए, इसलिए कई लोग हमारे संपर्क में हैं। बिल्कुल, तो आपने सुना देवेंद्र फडणवीस को और किस तरह से वो कह रहे हैं कि तमाम जो नेता है वो हमारे संपर्क में है। लेकिन अश्विन, बड़ा सवाल ये उठता है कि हमने एक पैटर्न देखा है, खासकर महाराष्ट्र कांग्रेस की अगर हम बात करें तो जो नेता हैं वो नाराज होते हैं और वो अपनी नाराजगी भी जग जाहिर करते हैं, चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, चाहे वो बाबा सिद्दीकी हो और अब अशोक चव्हाण हो। लेकिन उसके बावजूद पार्टी जो है कभी भी इन्हें बचाने के लिए कोई उपाय नहीं करती, बल्कि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और अंत में यही होता है कि नेता पार्टी छोड़कर चले जाते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये सिलसिला अभी कोई नया नहीं है। ये बदस्तूर हम नारायण राणे की बात करें, उस वक्त नारायण राणे की नाराजगी थी, उन्होंने वो क्योंकि वो शिवसेना से आए थे और उन्होंने अपनी नाराजगी शिवसेना स्टाइल में जाहिर की और उन्हें 6 महीने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 6 महीने बाद जब उनके सस्पेंशन हुई तो कुछ समय बाद वो बीजेपी में चले गए। ये पहले भी होता रहा है कि पार्टी जो है अपने नेताओं को संभालने में नाकामयाब रहती है या उनकी नाराजगी को दूर करने की बजाय उन पर एक्शन लेती है और नतीजा जो है सबके सामने जो है हमने देखा है। ये 3 लगातार बड़े नेताओं का जाना, इसके पहले नारायण राणे हो या फिर कृपाशंकर सिंह ने भी अपने मुद्दों को रखते रहे, उनका कहना था कि पार्टी ने नहीं ध्यान दिया, 370 बीजेपी ने हटाया और बीजेपी का समर्थन उन्होंने किया और फिर वो भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया, जबकि कांग्रेस के बड़े उत्तर भारतीय नेताओं में मुंबई में जीने जाते थे। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की आज से नहीं पहले से ही रही है कि नाराज नेताओं को उनकी नाराजगी दूर करने की बजाय उन्हें बिल्कुल अलग थलग कर दिया जाता है, जिससे कि नाराजगी बढ़ती है और नतीजा जो है जिस तरह से अशोक चव्हाण की स्थिति हमने देखा, मुख्यमंत्री रहे हैं, बड़े नेता हैं और एक बड़ा होल रखते हैं मराठवाड़ा का जो क्षेत्र है वहां पर, ऐसे में उनका जाना पार्टी के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासतौर पर जब राज्यसभा चुनाव होना है और उसके तुरंत बाद जो है अगले महीने से के बहुत ज्यादा उम्मीद है अगले महीने की शुरुआत में तारीखों का ऐलान हो जाए लोकसभा के चुनाव का, तो उस वक्त जी। शुक्रिया आपका अश्विनी ये तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। Z News।